आगे आएगा, वो सब कुछ आगे आएगा। अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? प्रोडक्शन मैनेजर, प्रोडक्शन इंजीनियर, क्वालिटी मैनेजर, क्वालिटी इंस्पेक्टर, भी रेफरेंस। ये प्रोसीजर बनाने के लिए हमने रेफरेंस लिया है एएसएमई सेक्शन 8 डिवीजन 1 एंड 2। वो कौन सा है? रूल्स ऑफ फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रेशर वेसल। एएसएमई सेक्शन 8 डिवीजन 1 एंड 2 क्या है? प्रेशर वेसल का कंस्ट्रक्शन कैसे करना है वो है। एएसएमई सेक्शन 1 कंस्ट्रक्शन ऑफ पावर बॉयलर, कंस्ट्रक्शन ऑफ पावर बॉयलर। एएसएमई B31.1 पावर पाइपिंग अप्रूव्ड ड्राइंग और अप्रूव्ड आईटीबी। ये सब के आगे अप्रूव लगाया हुआ है। नहीं तो डायरेक्ट ड्राइंग और आईटीबी भी लिख सकते हैं, लेकिन इसमें वेंडर का अप्रूवल चाहिए, क्लाइंट का अप्रूवल चाहिए। अगर मीडिएटर कोई वेंडर है, मीडिएटर है, मैंने काम लिया, दूसरे को दिया और तीसरा यूज करने वाला, तो तीनों का अप्रूवल लगेगा, साइन और स्टैंप दोनों लगेगा। ड्रॉइंग और आईटीबी, इंस्पेक्शन टेस्टिंग प्लान, या तो क्यूएपी भी बोलते हैं, बहुत सारे लोग क्यूएपी बोलते हैं, क्वालिटी इंस्पेक्शन प्लान, क्वालिटी इंस्पेक्शन।